एजुकेशन या समेकित शिक्षा क्या है और इसके मूल सिद्धांत क्या है, दर्शन क्या है, इसका फिलोसॉफी क्या है। तो पहला चीज ये पूछा गया आप लोगों को कि क्या सारे बच्चे या सारे लोग एक जैसे होते हैं? नहीं, ये बात तो पक्की। अगर एक जैसे नहीं होते तो उनमें अलग क्या होता है? लगभग हर गुण अलग होता है, लगभग हर गुण अलग होता है, एक गुण नहीं अलग होता है। अगर इन गुणों को, एक एक गुण को अगर हम लें और इसको चित्रित करने की कोशिश करें तो किस तरह का ग्राफ आएगा? बेल शेपेड कर्व। यानी कि अगर हम 100 बच्चे लेते हैं तो अमूमन 15 ऐसे होंगे जो कि बहुत अच्छा होंगे उस हुनर में। जैसे कि अगर गाने की क्षमता हम देख रहे हैं तो कुछ लोग खूब अच्छा गाना गाएंगे, कुछ लोग बिल्कुल बेसुरा गाएंगे, पर लगभग 70% लोग आम या नॉर्मल गाएंगे, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। वैसे दूसरा गुण ले रहे हैं तो उसमें भी ये फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर हम बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं एक छत के नीचे, क्या इस तरह की सोच ठीक है अपने में कि हम सारे बच्चों को एक छत के नीचे शिक्षित करना चाहते हैं? ये सोच ठीक है क्या? क्यों ठीक है? समान अधिकार पूर्ण अवसर की बात नहीं है, भिन्नता भिन्नता सृष्टि का नियम है और इस नियम से बाहर हम लोग नहीं है, ना ही जाना चाहते हैं, क्योंकि इससे परेशानी होगी। सिर्फ भिन्नता सृष्टि का नियम है और भिन्नता के तरफ हमें आदर सहित जाना चाहिए, देखना चाहिए उसे, है कि नहीं? तो डाइवर्सिटी शुड बी रेस्पेक्टेड बिकॉज डाइवर्सिटी इज ए पार्ट ऑफ नेचर। तो अगर भिन्न तरह के बच्चों को एक कक्षा के नीचे हम लाने की कोशिश करें तो कितने तरह की कठिनाइयां आती हैं? दो तरह की, मोटा मोटी। स्कूल तक पहुंचने की कठिनाई और स्कूल के अंदर आने के बाद कक्षा में होने वाली कठिनाई, दो तरह की कठिनाई आएगी। ठीक, स्कूल तक पहुंचने की कठिनाई दो तरह की होगी। पहला, लोग क्या कहेंगे, एटीट्यूडनल बैरियर, ये सोच कि ये काम हो सकता है क्या या ये काम नहीं हो सकता है। तो ये सोच बदलने की जरूरत है, उसके अपने ढंग है। दूसरा, स्कूल तक पहुंचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर। अगर स्कूल यहाँ है और सीढ़ियां लगी हुई हैं, वो ये बच्चा नीचे के ऊपर है या पैसे के ऊपर है, तो क्या पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो दो तरह की परेशानी हो गई, इनको दूर करना चाहिए हमें या इनके ऊपर सोचना चाहिए। दूसरी जो परेशानी होगी, बच्चा स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर आ गया, कक्षा में चला गया, कक्षा में बोला जाने वाला या सिखाया जाने वाला जो भी ज्ञान है वो किन माध्यमों से जाता है? तरीके से जाना चाहिए, VAKT या विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक टैक्टाइल मोड में जाना चाहिए। लेकिन जाता अमूमन कितने मोड्स में है? दो मोड्स में है, पहला ऑडिटरी, दूसरा विजुअल। तो जब आप कक्षा में रहते हैं तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि जो ऑडिटरी सिग्नल है या जो बात आप तक पहुंच रही है कानों के द्वारा, वो स्पष्ट हो, साफ हो पूरी तरह से, उसमें इको रेजोनेंस नहीं हो। बच्चा सुन तो पाएगा लेकिन देर तक नहीं सुन पाएगा, थक जाएगा। इसलिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो के बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा से अच्छा सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितने का होता है? 16 का या 20 का होता है? दोनों कानों से जब हम सुनते हैं तो 6 डेसिबल का सिग्नल टू नॉइज रेशियो अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए दोनों कानों का व्यवहार होना चाहिए, दो कान की मशीनें लगनी चाहिए बच्चों को। ठीक, दूसरा, रेजोनेंस इको वगैरह जो है क्लास में वो घटा देना चाहिए। समझ में आई बात? दूसरा है विजुअल मोडालिटी। विजुअल मोडालिटी यानी कि देख के चीजों को जानना। ब्लैक बोर्ड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए और जो बच्चे दृष्टि दिव्यांग है या अल्प दृष्टिवान है उनके लिए लार्ज प्रिंट की सुविधाएं होनी चाहिए। जो बच्चे दृष्टिहीन हो, दृष्टि पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं, B1 कैटेगरी जिसको बोला जाता है, उनके लिए टैक्टाइल मेथड या 3D मॉडल्स का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो बोला जा रहा है या जो सिखाया जा रहा है वो भी सुगम्य हो। तो सुगम्य भारत में सिर्फ रैंप बनाना नहीं होता, बाकी की चीजें भी होती हैं।
और इंक्लूसिव एजुकेशन तभी संभव है जब हमारे एटीट्यूडनल बैरियर्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स दोनों को ही दूर किया जाए। समझ गए?